हमने डिसाइड किया था 11 पॉइंट्स ढूंढे थे हमने, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है 4 भी कर ले तो बहुत है, क्योंकि 3 यही बच चुके हैं, 4 हो गए। देखो अभी भी ये कह रहे हैं, मतलब ये अगर वीडियो में ना 4 पॉइंट नहीं दिखे तो इनका इनके ऊपर कमेंट आना चाहिए। निकलते हैं अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन। अब उतरे कैसे यहाँ से? अभी जो ये रास्ता है ना, ये बहुत खतरनाक है। वैसे जूता पहन के आना चाहिए था, लेकिन हम जूता गीला भी करना चाहते थे क्योंकि आगे पानी है इसलिए। लेकिन यहाँ पे देखो ऐसे बहुत ज़्यादा चुभ रहा है। बताओ कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत सालों के बाद नंगे पहुँचे और बहुत ज़्यादा दर्द, मतलब ये एकदम चुभ रहे हैं पैरों में, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इतना दर्द हो रहा है, नहीं मज़ा पानी में। हाँ ये तो है, पानी में पैर रखने में उतना ही मज़ा आ रहा है। क्या चाहिए भाई साहब, यहाँ आके बैठ के सामने। तो हम पहुँच चुके हैं, क्या है ये? एलिफेंट हेड पॉइंट। यहाँ ने यहाँ कुछ लिखा है और देखो वही एलिफेंट स्टोन पॉइंट है। नहीं एलिफेंट स्टोन पॉइंट है ये, एलिफेंट स्टोन पॉइंट है, और वैसे एलिफेंट हेड पॉइंट भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ आते आते ओए ओए तो बंदरों ने फाड़ दी थी अभी थोड़ी देर के लिए। भाई साहब ये कैमरा देख के क्यों आ रहा है हमारे पीछे? अब नहीं आ रहा। ओ कसम से यार पागल कर दिया अभी, हम डर गए थे बहुत जोर का, मुंह पे मार देते हेलमेट ही। क्या है? अच्छा ठीक है, पहले ये बात बता रहा है। पहले देखो हम आए थे यहाँ पे ऑन है ना, तो हम यहाँ आए ठीक है, ये रास्ते में सब कुछ ठीक था। आते आते अभी टाइम हो रहा है कितना, 5 बजने वाले हैं। हाँ भाई 4:42 हो रहे हैं और बारिश हो गई रास्ते में, थोड़ी से हिल हो ही चुके हैं। वो हमेशा जब भी हिल एरिया में आते हैं तो सागर का स्वागत ऐसा ही होता है। यहाँ पे एलिफेंट हेड है लेकिन हमें पता नहीं कहाँ है, क्योंकि यहाँ तो अपना हेड देखना मुश्किल हो रहा है। देखो तो ये पूरा, मैं पहली बार आया हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि एलिफेंट हेड देखना किधर से है। कुछ इधर से देखना है, उधर से देखना है, देखना क्या है यहाँ? पहले हम ना देख लेते हैं कि यहाँ देखना क्या है पहले, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो अभी हम लोग एलिफेंट स्टोन पॉइंट पे हैं और यहाँ पे व्यू बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा। थोड़ी देर के लिए क्लियर हुआ था और मैंने शूट किया, लेकिन यहाँ के बंदर बहुत परेशान कर रहे हैं, जैसा कि आप देखो बहुत सारे बंदर हैं, मतलब डरा दिया, समझ रहे हो। तो व्यू थोड़ी देर के लिए क्लियर हुआ था, थोड़ा बहुत कैप्चर किया है, आई डोंट नो कि कितना हो सकता है, लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं एलिफेंट हेड पॉइंट पे। तो यहाँ से पहले निकलते हैं। हाँ जितने भी यूट्यूबर है मेरे पास आते हैं उनका सभी में यूट्यूब जो चैनल है सब्सक्राइब करते हैं। ओके क्योंकि जो नेचुरल ब्यूटी दिखाते हैं कि आप लोग जो कुदरत के माहौल के ऊपर है और जो कुदरती माहौल के हर टाइम ये वेस्टर्न घाटी है और वेस्टर्न घाटी के ऊपर ये कोंकण और जो पहाड़ी जो कहा जाता है पहाड़ी एरिया वहाँ पे आप लोग जा भी हो तो ये पहाड़ी एरिया में जितने भी ग्रीन वैली है तो माउंटेन्स के ऊपर जो जाने वाले जो बादल है ये पहाड़ी के ऊपर अटक जाते हैं। अच्छा पहाड़ी के ऊपर अटकने के बाद यहाँ पे वो बरसने लगते हैं, ठंडक मिलती है। तो इसी की वजह जून से सितंबर अक्टूबर तक यहाँ पे नेचुरल माहौल है, ठंडक का माहौल है। दिवाली में थोड़ा सा व्यू अलग, अच्छा। गर्मी में अलग, गर्मी में 28 डिग्री सेल्सियस यहाँ का हाईएस्ट टेम्परेचर है। लेकिन जब ओले गिरते हैं वो टेम्परेचर 32-35 के आसपास। लेकिन ये नेचुरल माहौल है, कुदरती माहौल है, 2 मिनट रुकोगे तो थोड़ा सा वैली क्लियर होता जा रहा है। ये अभी हुआ था थोड़ा सा हमने देखा, उसका फिर बंद हो फिर आ जाएगा, अभी थोड़ा भी क्लियर होता रहा है, अभी भी खुला होता जाएगा, लेकिन थोड़ा और थोड़ा चेंज होना चाहिए। अभी थोड़ा इतना खुला है, 2 मिनट रुको हो जाएगा क्लियर। सह्याद्री माउंटेन दिखेंगे और पिछले महीने जो लैंडस्लाइड हुई थी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में, जो हेवी रेनफॉल हुई थी, अच्छा लैंडस्लाइड हुई, अच्छा तो 4 दिन में 52 इंच के ऊपर बारिश हुई थी। अच्छा उतना तो हर जगह जो लैंडस्लाइड हुई है तो नीचे से जमीन जो घिसकी गई थी, जमीन से घिसकी, सब आपको देखने मिलेगा, दिखते हैं यहाँ से जो लैंडस्लाइड हुआ है। थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं 2 मिनट और, एक बार और ट्राई करते हैं हम यहाँ पे रुक के।
तो वैसे तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि बार बार यहाँ धुंध जम जा रही है, और म्यूजिकल फॉर्म में मैंने आपको दिखा दिया होगा कि कैसा है ये व्यू, लेकिन अभी ये भर रहा है, इससे पहले आप थोड़ा सा देख लो यहाँ से क्या खूबसूरत नज़ारा आता है, फिर ये धुंध आ गई। शेट शेट, कितना खूबसूरत है ये मैं बता नहीं सकता, और ये बंदरों ने मुझे बहुत डराया है। देख लूंगा बेटा तुझे बाद में, ठीक है, बाद में देख लेंगे। सनस्टोन पॉइंट से निकल चुका हूँ और अभी हम जा रहे हैं एलिफेंट हेड पॉइंट। ज्यादा मोटो व्लॉगिंग है, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे आज एक ही वीडियो में आपको ये सारा महाबलेश्वर का पूरा ट्रिप दिखाना है, तो अब पहुंच के मिलते हैं। तो अभी हम लोग एलिफेंट हेड पॉइंट पहुंच चुके हैं, मतलब यहाँ से थोड़ा अंदर है, तो मेन गेट जो है यहाँ का, वो बोला गया है कि 6 बजे एग्जैक्ट वो बंद कर देंगे, इसलिए 6 बजे से पहले हमें वापस आना है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि 5:47 तो हो चुके हैं, हमें तो पता नहीं अभी अंदर जाने में ही टाइम लग जाएगा, तो कैसे 6 बजे वापस आएंगे। तो हमें लगता है फटाफट बस आपको एक शॉट दिखा के मैं भागूंगा वहाँ से, क्योंकि मैं यहाँ फंसना नहीं चाहता रात को। ये थोड़े ये जितने भी इलाके हैं यहाँ पे हर जगह साइन बोर्ड लगे हुए हैं कि यहाँ पे कुछ जंगली जानवर बाहर आ जाते हैं रोड पर, तो रात के लिए तो वो बहुत खतरनाक है। एंड यहाँ पे जो लोग ड्राइविंग करते हैं वो भी पागल है, तो जरूरी है यहाँ से हमें जल्दी निकलना। कहाँ से मिलेगा पॉइंट, इतना दूर जाना है तो फिर 6 बजे वापस कैसे आएंगे भाई। तो देखो बहुत कम टाइम मिला है हमें, बस हम पहुंच गए हैं, और इस बात की हमें बहुत खुशी है क्योंकि व्यू बहुत जबरदस्त है भाई साहब, उधर आपका कमाल का व्यू है। ओह ओह, बता नहीं सकते, मतलब आप अपने अपने शब्दों में बयां कीजिए क्या दिख रहा है आपको सामने। अनबिलीवेबल जो कहते हैं ना, पूरा नेचर ही है एकदम, यहीं पे लगता है एक जन्नत यही है। अभी अभी दिखाता हूँ आपको फटाफट। इको पॉइंट पे है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इको पॉइंट है, और यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू है जो कि अभी क्लियर हो रहा है, कभी बंद हो रहा है। तो मैंने वैसे तो अपने काम कर लिया है, आपके लिए मैंने आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने कर लिया है, आप देख लोगे क्लियर व्यू। तो अभी जा रहे हैं गेट पॉइंट पे, और मेरे पास टाइम नहीं है, 6 तो बज गए हैं वैसे, पर फिर भी हम दिखा रहे हैं आपको जब तक वो व्यू देखो ना। ये देखो कितना खूबसूरत है ये, और हाय, और ये सूरज एकदम अपने चरम सीमा पे, और ये खूबसूरती भाई साहब, यहाँ देखे ये भैया अपनी बीवी के साथ घूम रहे हैं, आए तो अकेले थे। रेलिंग बढ़ती पसंद है, मतलब रेलिंग पर ज्यादा भार नहीं देना। अच्छा, ओ हो हो हो, व्यू व्यू व्यू, हम लोग अभी भी यहाँ हैं। देखो मैंने सारा शूट कर लिया आप लोगों के लिए, और अभी फिलहाल मैं आपको ऐसे नॉर्मली दिखा देता हूँ कि यहाँ का व्यू कैसा है। थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि धुंध जमता है, हटता है, क्लियर होता है, कभी नहीं होता है, तो मैंने सबसे पहले आके सबसे पहले शूट कर लेता हूँ, और मैं खुद इंजॉय नहीं करता उससे पहले मैं शूट करके रख लेता हूँ, ताकि ये मिस ना हो और आप लोगों तक ये व्यू पहुँचे। तो ये देखो यहाँ पे है झील, मतलब वाटरफॉल, और यहाँ से वाटरफॉल होते हुए यहाँ से बह रहा है, एंड दिस इज़ द प्लेस, एंड यहाँ पे ये है एलिफेंट हेड, जो कि अगर आप देखो तो यहाँ से एलिफेंट का ये सूंड और ऐसे बना हुआ है, लेकिन ये यहाँ से नहीं, कहीं उधर से दिखेगा, लेकिन हमें मेरे पास टाइम नहीं है तो वहाँ जा नहीं सकते। और तो दिस इज़ द वेना लेक, और यहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत है, जो कि आपको वैसे भी देखने को मिल जाएगा। देखो मैं कितना भी कह लूँ, मैं ये शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि ये इतना खूबसूरत है, ठीक है, बिल्कुल भी है, मतलब अगर
सामने से कोई आके देखे तो वो उसके मुंह से ना वाह निकले बिना रह नहीं सकता। तो ऐसा तो बंद करने का सब बोल रहे हो? अच्छा ठीक है ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस और मैं सच बता रहा हूँ यहाँ पे कि अभी यहाँ पे ना हम लोग अगर पहले आते तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते, क्योंकि ये जगह ऐसी है कि मतलब मन नहीं भरेगा, नहीं भरेगा बिल्कुल भी नहीं भरेगा। सो ये बंदर कहाँ से तो, पर अभी हमें यारा बुलावा आ गया, ये बंद होने का टाइम हो गया था, हमें निकलना पड़ेगा। सो वी आर लीविंग फ्रॉम हेयर बट आई विल मिस, एंड यही एक वजह बनेगी कि मैं दोबारा महाबलेश्वर जरूर आऊँगा, है ना। कितनी चीज़ें हमने छोड़ी हैं और ये चीज़ें देखकर तो ऐसा अधूरा अधूरा सा रह गया है, लेकिन ये एक बहाना है अगली बार आने का। सो कुछ बहाने रहने चाहिए ना दोबारा आने के लिए। सो चलो फटाफट निकलते हैं, 6 बजे गेट बंद होना था, 6:30 बज चुके हैं। चलो ये गेट खुला मिले क्योंकि उन्होंने 6 बजे ही आने के लिए बोला था, बट इट टुक टाइम क्योंकि यहाँ आने के बाद भाई साहब आधा घंटा तो कुछ भी नहीं है, 1.5 घंटा 2 घंटा आराम से बिताया जा सकता है भाई साहब, इतना सही। और अब निकल गए हमारे सूरज देवता बादलों से बाहर। इतनी देर से कहाँ थे आप छुपे बड़े, कब से ढूंढ रहे थे हम आपको कि आप आओ, थोड़ा सा हमें वीडियो बनाने में आसानी होगी, लेकिन नहीं। ओह शिट, गेट बंद कर दिया गया है, लेकिन खोल देंगे भैया। इतने तो 6 बजे तो वहाँ पहुँचते पहुँचते लग गए थे, तो भैया जी थोड़ा गुस्सा हो गए थे, पर ठीक है, उनका उनकी भी ड्यूटी है, वो निभा रहे अपना। सो फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं ट्रिप से, आज का दिन बहुत ही ऑसम रहा। सो बाकी वो सब तो बढ़िया था, वापस आने का एक्सपीरियंस बता दो। वापस आते टाइम तो मत पूछो यार, घाटी उधर से गाड़ी आ रही है, लग रहा था कब किस टाइम क्या हो रहा था, और रोड तो क्या कहना है यार, खतरनाक रोड, पूरी बॉडी में अभी तक पेन है, और मैं ऐसी राइड बहुत करता हूँ। भैया का पहला एक्सपीरियंस रहा, मैं तो आया बस होटल में बैठे हैं भाई, कपड़े चेंज करके बस आपके सामने है बैठे हुए, अब हिम्मत नहीं कर रहा है उठ कर डिनर भी करूं, बट करना है, पर करना है डिनर, क्योंकि हमने सुबह से बहुत ज्यादा कुछ हैवी खाया नहीं है, बस थोड़ा बहुत खा के जिंदा है, क्योंकि अगर ज्यादा खाते तो फिर हम घूम नहीं पाते, फिर आलस आता, तो इसलिए हमने हल्का हल्का खाया था बस। और दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, और आपको सीरियसली बताऊं तो मुझे ये वीडियो बनाने में बहुत मजा आया है, होप आपको भी देखने में और एंजॉय करने में मज़ा आएगा। और वो व्यूज़ लाइक मेरे पास तो शब्द नहीं है, जब जब हमने वो क्लियर स्काई देखा और व्यूज़ जो हमें दिखे, सीरियसली मतलब पागल हो गए थे, नज़दीक पहुँच चुके थे हम लोग, बहुत बहुत करीब, और इतना खूबसूरत रास्ता जब जाओगे, वाओ, दोनों साइड से पेड़ जंगल। हाँ वो रास्ते भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किए क्योंकि मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता था, लेकिन हाँ इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहाँ मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ आके देख लो, सारे बहुत सारे बिहाइंड द सीन्स मिल जाएंगे आपको वहाँ पे। सो बाकी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, हमें भी अभी आराम करना है, खाना खाना है। सो आई होप यू एंजॉय द वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप एंड कीप सपोर्टिंग मी, एंड आई विल कीप ब्रिंगिंग वर्ल्ड्स बेस्ट थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू थ्रू माई व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।